वो भी पीडीएफ मैंने शेयर किया था, जो चीज हम लोग को पढ़ना है, जो चीज पढ़ चुके हैं, जो आगे पढ़ना है, ठीक है, वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो मैंने भेजा है बनाकर। ठीक है, तो किसी को पहले कुछ अगर जो प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, पहले का कुछ प्रॉब्लम, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हैंड रेज करो या आगे बढ़ें। हाँ बोलो नीतीश। हो गया सर, सर बोले थे सर इसमें सब कुछ हो गया था सर, सिर्फ शॉर्टकट नहीं मिला सर, खोजे उसको बहुत नहीं मिला प्रॉपर्टीज ठीक है, मैं में सर। बता ठीक बता देता हूँ शॉर्टकट। है सर, बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट, ये चीज, ये जो जैसे डायलॉग है, ये डायलॉग का कलर यहाँ पर दिए हैं, कलर डायलॉग कंट्रोल प्लस सी, फॉन्ट डायलॉग कंट्रोल प्लस ए, मैंने शॉर्टकट प्रेस किया कंट्रोल एफ, ओपन हो जाएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल एफ मैंने प्रेस किया। ठीक है, ये आ गया फॉन्ट डायलॉग, फॉन्ट डायलॉग आपका ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये सब वर्क तो आप देख ही चुके थे। और हाँ बोलो विकास, विकास नीतीश। इन केस अगर सर किसी दो चीज दो फंक्शन का सेमी अगर शॉर्टकट के दे दो तो ये एरर जनरेट करेगा या फिर मतलब कोई पहले किसको कॉल करेगा कुछ भी सर। ये तो चेक करना होगा जी, लेकिन काम तो नहीं करेगा, ये तो चेक करना होगा, चेक किए हो, ये चेक करना। ठीक है, वैसे तो काम नहीं करेगा, आप चेक करना होगा, वैसे अभी हम चेक भी कर लेते हैं। सर एक बार प्रॉपर्टीज में सर बताइए, कंटेनर के नीचे था सर, खोजे वहां नहीं मिला सर, वो तब सर कट। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मिल जाएगा, देखो ध्यान दो। देखिए इससे बाहर निकले, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, जहां प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, कौन सा प्रोग्राम था आपका, मेनू ही इसका डिजाइन व्यू में, एडमिट। ठीक है, एक मिनट, कुछ हाँ देखो, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज में, जो शॉर्टकट आपको नहीं मिला था, मान लो कि सेव का आप शॉर्टकट देना चाहते हो। ठीक है, अभी आप विकास ने पूछा कि सर इसका शॉर्टकट असाइन होगा, तो आइए देते हैं हम कंट्रोल प्लस ए फॉर, किसका देते हैं, फोर कलर में मैं शॉर्टकट देना चाहता हूं, किसका, गोल्ड का, कंट्रोल एफ देना चाहता हूं, क्या देना चाहता हूं, कंट्रोल एफ। तो देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिए और इसके प्रॉपर्टीज में चलो, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा स्लो है। ये देखो आ गया, और यहां पे सबसे नीचे में देखिए, देखो नीतीश कुमार जो यहां पर है शॉर्टकट की,
आ गया शॉर्टकट की, यहाँ पे कंट्रोल सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपने बोला सेम मैं दे रहा हूं, यहाँ इस पे क्लिक कर दो, आ गया। ठीक है, अब जरा कोडिंग इसका भी शॉर्टकट कोडिंग देख लेते हैं, किया हुआ है ना, मैं भी किया हुआ होगा। फॉर कंट्रोल एफ, अब मैं रन करा के देखता हूं दोनों का शॉर्टकट है, कौन वर्क करता है। ठीक है, अब मैंने यहां पे कंट्रोल एफ प्रेस किया, कंट्रोल एफ, यानी प्रायोरिटी बेसिस पे काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या दिया था, ये कंट्रोल एफ डायलॉग वाला, और ये मैंने यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे बोल्ड दिया, साइज यहाँ पे क्या किया 24, ओके राइट। और यहाँ पे जो शॉर्टकट आप दिए हो बैक कलर, ये रेड ग्रीन ब्लू जो देख रहे हो यहाँ पे, कंट्रोल आर, अगर कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया तो कंट्रोल आर काम करेगा, काम किया, लेकिन तुम क्या फोर कलर के लिए कंट्रोल एफ दिए हो, कंट्रोल एफ दिए हो, तो कंट्रोल एफ ए नहीं काम कर कौन सा कर रहा है, डायलॉग वाला। तो यानी प्रायोरिटी बेसिस पे काम कर रहा है, जिसका पहले तुम डिफाइन करोगे उसके अनुसार। कंट्रोल एफ तो यहाँ काम कर रहा है, फिर मैंने कंट्रोल एफ पे क्लिक किया, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ, समझ गया होंगे आप। तो सेम जनरली नहीं रखते हैं, फर्स्ट वाला ही काम करेगा, और ये वाला जो कलर जो फोरग्राउंड कलर रखे हैं ये आपका वर्क नहीं कर रहा है, बाकी वर्क होगा, ये काम कर रहा है लेकिन कंट्रोल एफ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो हैंड रेज कर सकते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, इसको मैं हटाया, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, मैंने यहां पे डायलॉग बॉक्स में ये आगे आया, यहाँ नहीं डायलॉग नहीं, सॉरी मेनू, मेनू में हम लोग एक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं पिक्चर बॉक्स, ध्यान देना, पिक्चर बॉक्स,
अभी मैं मेनू का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, लेकिन अदर कंट्रोल, ये रहा तुम्हारा पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स यूज करते हैं हम लोग पिक्चर के लिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर बॉक्स दिया, राइट, ये हमारा पिक्चर बॉक्स है, देख रहे हो। मैंने यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो हम यहाँ पे रखेंगे इस पिक्चर बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउज बटन हम लोग तो यहाँ पर देंगे ही ब्राउज बटन, ठीक है, जैसे बटन, बटन यूज करोगे यहाँ पे, ये देख रहे हो। और बटन का मैंने नाम दिया यहाँ पे ब्राउज, ब्राउज, मैंने ब्राउज दे दिया, राइट, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इस ब्राउज पे क्लिक करूं तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो, ठीक है। फाइल को ब्राउज करना है, कोई पासपोर्ट साइज का फोटो वहां पे क्या करना है आपको, ब्राउज करना है। तो देखो यहां पर क्या लिख रहे हैं, इफ, अच्छा एक चीज और देखना होगा तुमको, डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में चलो, फॉन्ट डायलॉग तुमको एक क्या ओपन करना होगा, ओपन फाइल डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग को तुमको यूज करना होगा, राइट, ठीक है। अब मैं इसके सोर्स कोड पे चल रहा हूं, इफ If open open file dialog one dot show dialog then मैं बताना चाहता हूं पिक्चर बॉक्स में रन टाइम पिक्चर कैसे लोड करोगे। पिक्चर बॉक्स क्या करता है, केवल पिक्चर को रखता है, इमेज को रखता है, राइट। बहुत पहले आप लोग स्टार्टिंग में ही पूछे थे ना कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जरा एक पिक्चर बॉक्स लाइए, ठीक है। तो सबका टाइम है, कौन सा कंपोनेंट कब पढ़ेंगे उसका टाइम है। अगर मैं ओपन फाइल डायलॉग नहीं बताता तो आप कैसे करते। तो पिक्चर बॉक्स का बाय डिफॉल्ट नाम होता है पिक्चर बॉक्स वन डॉट डॉट इसका एक फंक्शन होता है जी पिक्चर बॉक्स वन डॉट नहीं, वो विजुअल बेसिक सिक्स में होता है लोड फाइल, वो याद आ गया। इसमें होता है पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज, इमेज, राइट, और इक्वल टू इमेज क्लास का ही एक फ्रॉम फाइल मेथड होता है, फ्रॉम फाइल, और यहां से फाइल का नाम दे दोगे। तो फाइल नेम कहां से आना चाहिए, फाइल नेम कहां से आना चाहिए, वो पिक्चर बॉक्स से, जो पिक्चर बॉक्स से तुम क्या करोगे सेलेक्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने पाथ आना चाहिए, तो पाथ के लिए तुम क्या कर लोगे,
ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम, सिस्टम से जो भी फाइल नेम को तुम सिलेक्ट करोगे राइट ध्यान दो पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज प्रॉपर्टी है, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज प्रॉपर्टी है, इमेज कहां से आना चाहिए तो सिस्टम जो फाइल डायलॉग से जो जिस फाइल को तुम सिलेक्ट करोगे फाइल नेम पाथ के साथ आएगा और फाइल नेम इमेज फाइल स्पेसिफाई किया जाता है किस मेथड में फ्रॉम फाइल मेथड में जो इमेज क्लास का क्या है मेथड है ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा डिजाइन व्यू में चलो पिक्चर बॉक्स में एक प्रॉपर्टीज होता है इमेज स्ट्रेच का इमेज अपने अनुसार स्ट्रेच करना चाहिए तो इमेज स्ट्रेच करना चाहिए तो इसमें कहीं एक प्रॉपर्टीज होगा एक मिनट साइज कंटेक्स्ट इमेज इसमें नहीं होता है इमेज में होता है एक इमेज भी होगा इसमें पिक्चर बॉक्स की तरह एक इमेज भी होगा बॉर्डर स्टाइल ये तो बॉर्डर है बॉर्डर तुम दे सकते हो जो भी बॉर्डर तुम देना चाहते हो बॉर्डर में शो करेगा इमेज स्ट्रेच करने का साइज मोड हाँ साइज मोड होता है इसमें मे भी साइज मोड देखो यहाँ पे साइज मोड ध्यान रखना साइज मोड में नॉर्मल स्ट्रेच इमेज जितना भी बड़ा इमेज रहेगा वो इमेज स्ट्रेच होकर अपने पिक्चर बॉक्स के अकॉर्डिंग टू उसके साइज के अनुसार इमेज हमारा क्या हो जाना चाहिए स्ट्रेच हो जाना चाहिए तो इसको तुम क्या कर लोगे स्ट्रेच इमेज राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूं ध्यान देना देखो यहाँ पे ब्राउज जैसे मैंने ब्राउज किया ठीक है मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ कुछ फोटोज होंगे ये देखो ये पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे आ गया देख रहे हैं पिक्चर बॉक्स में पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे आ चुका। अब मैं ये फोटो बड़ा सा है इस फोटो को मैं ओपन करूंगा तो ये फोटो लार्ज है ये पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं है लेकिन वो अपने अनुसार यहाँ पर ये क्या हो गया एडजस्ट कर गया। अब मैं दूसरा पिक्चर यहाँ पे लाता हूँ ब्राउज ठीक है और यहां पे मैं
मैं चलता हूं पिक्चर बॉक्स में, मैं इस पिक्चर को लाता हूं, बड़ा सा पिक्चर है ये, एडजस्ट कर गया, देख रहे हैं? ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? अब किसी को पिक्चर, अभी मैंने ब्राउज बटन पे किया था ना, लेकिन ये करना है मुझे यहां से, यहां से, तो उसी कोडिंग को जो ब्राउज बटन पे मैंने कोडिंग किया है, उस कोडिंग को तुम ओपन पे कर दोगे? उस कोडिंग को तुम किस पे कर दोगे? ओपन पे, जो इस चीज को मैंने यहां पर लिखा है, ये चीज, इसको यहां से कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, ठीक है, और यहां पे डिजाइन व्यू मुझे कहां पे, ये ओपन राइट, कंट्रोल भी कर दिया, यहां से भी वही वर्क होगा, ठीक है, चलिए यहां से गए डायलॉग बटन, डायलॉग मेनू पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब मैंने यहां पे ओपन, ठीक है, और मैंने फाइल को, इस फाइल को, एक कार जो है, कार को मैंने सिलेक्ट किया, आ गया राइट। अब तुम सबसे पर प्रश्न ये उठता है कि जब तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे, मेरी बात को समझो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब तुम बनाओगे तो पिक्चर पासपोर्ट साइज का फोटो तो यहां ले आया, फोटो को तो ब्राउज कर लिए सिस्टम से, लेकिन इस फोटो को तुमको डेटाबेस में सेव करना होगा, तो डेटाबेस में सेव करने के पहले तो रिट्रीव करोगे ना, जैसे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव कर रहे थे, रेडियो बटन से वैल्यू रिट्रीव कर रहे थे, चेक बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर रहे थे, तो यहां पर भी तो पिक्चर बॉक्स से ये पाथ पूरा आ जाना चाहिए, तो वो काम कैसे करोगे? जब इमेज को तुम लोड कर सकते हो तो इमेज को सेव भी कर सकते हो, यानी अब पिक्चर बॉक्स से सेव कैसे करेंगे, आइए उस चीज को देखते हैं। ठीक है, चलो तुम यहां पे यहां ब्राउज है तो यहां पर एक सेव बटन भी ले लेता हूं मैं, बटन मैंने यहां पर नाम दे दिया इसका सेव, और इसका नाम भी मैंने दे दिया BTN सेव, BTN BTN सेव राइट, कोडिंग करो, सेव डायलॉग बॉक्स लो, जहां जो डायलॉग बॉक्स है ना सेव करना है, सेव डायलॉग बॉक्स लो, ये ले लिया राइट,
सेव बटन पे कोडिंग। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज जो तुम जानते हो, इफ क्या होता है, इफ सेव फाइल डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। देन पिक्चर बॉक्स वन डॉट विजुअल बेसिक में सेव फाइल होता है, लेकिन इसमें नहीं, विजुअल बेसिक 6 की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये डॉट नेट है, तो इसमें होता है इमेज डॉट सेव, ये रहा सेव। पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज डॉट सेव इक्वल टू सेव मेथड होना चाहिए, सेव मेथड पैरेंथेसिस, हाँ फाइल नेम दो, फाइल नेम एडजस्टिंग है ना, फाइल नेम, हाँ फाइल नेम, तो फाइल नेम दे दो। कहां से फाइल नेम आना चाहिए, जो फाइल डायलॉग बॉक्स में फाइल नेम दोगे, सेव फाइल डायलॉग वन डॉट डॉट क्या था, फाइल नेम ना, फाइल नेम राइट, ठीक है, रन कराइए। पहले मैं फोटो को ब्राउज कर लिया, ये बलेनो कार को आ गया, अब इसको सेव करना चाहते हैं, जहां मेरा AKU का फाइल है, सेव सेव डायलॉग बॉक्स, और मैं सेव करना चाहता हूं डेस्कटॉप पे और सीमेज ऑनलाइन, इसमें AKU 5th VV नोट्स तुम लोग का इसमें रखे हैं, हाँ इसमें रखे हैं, इतना सारा नोट्स भेज दिए हैं जो इसमें है, वर्ड में बनाकर PDF में कन्वर्ट करते हैं, सोचो इतना हम मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, लेकिन तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। अब मेहनत तो MRQ में मुझे पता चलेगा कौन जवाब देगा कौन नहीं, ठीक है, तो ये हुआ, तो हम यहाँ पे नाम से सेव करते हैं, अभी फोटो था ना, कार कार डॉट JPG, ठीक है सेव। अब मैं यहां पे क्या कर दूं, सेव पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है, वो फाइल तो वहां चला गया, यहां ब्राउज करो, अभी यहां कोई दूसरा फाइल मैंने दे दिया, देखो कार्ड डॉट JPG AKU 5th में आ गया। अभी मैं क्या करता हूं कि पिक्चर बॉक्स से मैं इस इमेज को दे दिया, मैंने इस इमेज को दे दिया राइट। अब मैं क्या करता हूं, ब्राउज करता हूं,
वो इमेज आ जाना चाहिए जहां तुम सेव किए हो। मैंने सेव किया है डेस्कटॉप पे इमेज ऑनलाइन AKU 5th इसमें था, AKU 5th, और इसमें देखिए कार, यही फाइल था ना, ओपन आ गया। तो समझ गए पिक्चर बॉक्स से कैसे इमेज इसमें सेट होगा, कैसे रिट्रीव होगा, यही काम ना होगा पिक्चर बॉक्स से। तुम ऑल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे तो पिक्चर को ब्राउज करोगे और डेटाबेस में भेजने के लिए पहले रिट्रीव करोगे, तब ना डेटाबेस में आप उसको सेंड कीजिएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, इमेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बैकग्राउंड ए स्क्रीनशॉट पता चलेगा। ठीक है, आप उसी तरह से यहाँ सेव पे भी कोडिंग कर सकते हो, जो मैंने सेव पे कोडिंग किया यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मे बी। अब चलो, अब मैं यहाँ पे इसको हटाता हूं। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिया जाए, शुरू से ले लीजिए, पता नहीं चलेगा आपको। चलिए स्क्रीनशॉट स्क्रॉल कर रहे हैं, चलिए इसका लीजिए। स्क्रॉल कर रहे हैं, बस इतना ही है, नहीं और है, एक मिनट, कहां तक था, हाँ यहां तक, यही लास्ट है। आइए अब अटेंडेंस का काम करते हैं।